अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अच्छा ग्लोबल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बिटकॉइन की प्राइस अपडेट के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आज की डेट और टाइम थोड़ा सा हम इंडिकेटर्स वगैरह देख लें। तो लिंक्स फॉर क्रिप्टो डॉट कॉम वेबसाइट पर आज है मंडे 11 सितंबर 2023। आप यहाँ पर टाइम एंड डेट चेक कर सकते हैं। और मार्केट इस टाइम जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1.5% गिरी हुई है मार्केट। इंडिया में सुबह हो रहे हैं 9:41 और पाकिस्तान में हो रहे हैं 9:11 और दुबई में हो रहे हैं 8:11 सुबह के। अब हम थोड़ा इंडिकेटर वगैरह चेक कर लेते हैं। जैसे अभी जो है वो फियर है मार्केट में, इस टाइम बहुत ज़्यादा फियर फैला हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं फियर मार्केट के अंदर। हम यहाँ पर इंडिकेटर्स का कंबाइन टेक्निकल एनालिसिस अगर देखें, यहाँ पर हम 4 ओवर चार्ट में अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। अभी सेलिंग की एक वजह है जो मैं आपको बताता हूँ, बल्कि दो वजहें हैं। अगर हम इसको 30 मिनट पर करें तो सेलिंग है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल सेलिंग हो रही है मार्केट के अंदर। वो क्यों हो रही है, उसकी सिर्फ दो वजहें, एक FTX का सेलिंग और एक बायनास का फॉल्ट। और ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि एक चीज़ होनी है, उस वजह से आपको मैं बताता हूँ। देखिए हम क्या कहते हैं कि जब भी आप कोई फंड परचेज करें ना, बिटकॉइन या एथेरियम, उसको आप एक्सचेंजेस पे ना रखें, उसको आप अपने हार्डवेयर वॉलेट या सॉफ्टवेयर वॉलेट मेटामास्क वगैरह में ले जाएं। और ज़्यादातर क्या करते हैं, फिर वो अपने जो फंड जैसे ही एक्सचेंजेस में परचेज किए, वो अपने फंड ले गए, अपनी होल्डिंग्स ले गए अपनी वॉलेट्स के अंदर, और जो ट्रेडिंग करनी है शॉर्ट टर्म के लिए उन्होंने फंड अपना रखा हुआ है, वो अपना एक्सचेंजेस पर रखते हैं। अब क्या करना है, अब बड़े जो वेज हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, अब उन्होंने मार्केट से बल्क में परचेज करना है। अब जितना उन्होंने परचेज करना है एक क्वाइन, मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि हमने जो 1 लाख एथेरियम परचेज करने हैं, लेकिन जब वो अच्छी एक्सचेंजेस बड़ी एक्सचेंजेस पे जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि उनको 1 लाख एथेरियम नहीं मिल रहे होते, तो वो क्या करेंगे कि मार्केट में एक बैड न्यूज़ लेके आएंगे, कहेंगे कि एथेरियम की जो प्राइस है अभी 1600 चल रही है, अब वो आपको कहेंगे कि एथेरियम की प्राइस जो है ना वो 1500 चले जाएगी, 1400 चले जाएगी। आप कहते कोई मसला नहीं है, मैं होल्ड कर लूँगा क्योंकि मैंने लॉन्ग टर्म के लिए अपना वॉलेट के अंदर फंड रखा है, समझिएगा। तो 1400 तक प्राइस चली जाती, फिर आवाज़ आ रही होती है कि बिटकॉइन जो एथेरियम है वो जाएगा $1200 पे और $1000 तक, $1000 से $1200 तक बिटकॉइन एथेरियम चला जाएगा। तो आप सोचते हैं कि यार चलो मैं ना अपने एथेरियम को ज़रा इंक्रीज कर लूँ। अभी मिसाल के तौर पर हमने 1600 परचेज किया, मार्केट गिर गई 1400 पे, आप कहते हैं चलो यार अब कोई नहीं, मैं अपने एथेरियम लेके जाता हूँ एक्सचेंज पे, 1400 पे सेल करता हूँ, मार्केट जाएगी 1200 पे या 1000 पे, मैं दोबारा से परचेज करूँगा एथेरियम और मेरी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो आप क्या करते हैं, आप लेके जाते हैं एक्सचेंज पे अपने वॉलेट से। अब ये जो वेल्स के बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स थे, आप उनके ट्रैप में आ चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप लेके जा रहे हैं अपने फंड को वापस एक्सचेंज पे, और वो वही चाहते हैं कि एक्सचेंज पे फंड आए और वो सेलिंग, क्योंकि जब एक्सचेंज में फंड आ रहा है बड़ा तो वो सेलिंग के लिए होगा, जाहिर सी बात है। तो आप जाके सेल करेंगे, वेज इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स छोटे छोटे करके पार्ट्स में वो क्वाइंस परचेज कर रहे होंगे। फिर वो जब ज़्यादातर लोग जो है एक साथ फंड लेके जाएंगे अपने एक्सचेंजेस पे एथेरियम, ठीक है, सेल करेंगे, मार्केट हटके से नीचे गिरेगी, मतलब 1300 तक गिरेगी, फिर वहाँ से वेज एकदम से, क्योंकि वेज का टारगेट हो गया पूरा शॉर्ट टर्म का, वो वहाँ से दोबारा से इंक्रीज करेंगे और वापस ले आएंगे आपको 1600 के तक या दोबारा से $1700 तक आ जाएंगे, ठीक है। फिर आप कहेंगे यार थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्या पता नीचे आ जाए, कुछ होंगे वो कहेंगे यार अब क्या होगा, चल थोड़ा लॉस हो गया, अब मैं दोबारा परचेज कर रहा हूँ, कुछ होंगे 1600-1700 पे परचेज कर लेंगे, कुछ होंगे गिनने का वेट करेंगे यार हम दोबारा $1300 पे जो है वो परचेज करेंगे, $1400 पे परचेज करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। कॉइन्स जो होता है वो $2000 तक चले जाता है,
2000 डॉलर तक चले जाता। अब बहुत से लोग फंस गए क्योंकि उन्होंने शॉर्ट में डाउन प्राइस पे सेल कर दिया था, 1400 डॉलर पे सेल कर दिया था। तो अब मार्केट में दोबारा से आवाज़ आएगी कि मार्केट डाउन जाने वाली है, मार्केट डाउन जाने वाली है, वो फिर जो है वो 2000 डॉलर पे परचेज कर लेंगे सारे, फिर मार्केट जो है वो थोड़ी सी अप जाएगी और साथ ही दोबारा से डाउन चले जाएगी। तो वे इस सूरत में वेल्स ही जो है वो ज़्यादातर इंस्टीट्यूशन जो मार्केट मेकर्स होते हैं वो ही फ़ायदा उठाते हैं आपके साथ। तो अभी भी मार्केट में यही किया जा रहा है। आप यहाँ पर देखें कि जो न्यूज़ वगैरह आ रही हैं, यहाँ पे जाएं क्रिप्टो लिंक्स फॉर क्रिप्टो डॉट कॉम पे, यहाँ पे न्यूज़ की साइट्स हैं, ठीक है, यहाँ से आपको न्यूज़ वगैरह मिल जाएगी, आप यहाँ पे जा कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे FTX का आया कि FTX के पास 3.4 बिलियन डॉलर के फंड हैं, वो जो है वो अपने सेल करने जा रहा है, वो अपने सेल करने जा रहा है। अब लोगों ने क्या किया, सेल किए एकदम, लेकिन बाद में खबर आ गई थोड़ी बाद कि FTX जो है वो एक साथ सेल नहीं करेगा, बल्कि वो 200 मिलियन डॉलर के कॉइन सेल करेगा पर वीक में, पर वीक में। आप सबको पता, जैसे सोलाना सबके सबसे ज़्यादा उसके पास है, FTX के पास है सोलाना 685 मिलियन डॉलर का, उसके बाद FTT है 529 मिलियन डॉलर का, फिर बिटकॉइन है 268 मिलियन डॉलर के, अथीरियम है 90 मिलियन डॉलर के, APT है 67 मिलियन डॉलर के, और डॉज है 42 मिलियन डॉलर के, और मैटिक है आपका 39 डॉलर का, 39 मिलियन डॉलर का, और आपका बिट टोकन यानी जो हमारी बायबिट एक्सचेंज है उसका 35 मिलियन डॉलर, और रिपल 29 मिलियन डॉलर के उनके पास फंड है। अदर फंड जो है वो 1.2 बिलियन डॉलर के फंड हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा होल्डिंग इन फेमस कॉइन्स के। ठीक है, जैसी खबर आई थी कि FTX 3.4 बिलियन डॉलर के जो फंड है वो सेल कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा इन कॉइन्स में जो है वो आपको सेलिंग प्रेशर दिखा था, लेकिन जब एकदम से थोड़ी सी प्राइसेस दोबारा से इंक्रीज हुई लिक्विडेट करने के लिए शॉर्ट वालों को, और क्या कहते हैं, तो फिर ये न्यूज़ आ गई कि हर वीक में 200 मिलियन डॉलर का फंड सेल होगा, तो दोबारा से मार्केट जो है वो डाउन चलेगी लिक्विडेट जो लॉन्ग्स वालों को लिक्विडेट करने के लिए। तो ये गेम चलती है, तो ये भी एक फंड है क्योंकि इन्होंने सेल करनी है अपने पर वीक में, तो इसकी अब ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। दूसरा बाइनांस का फंड है, मैंने आपको बुंगो अपने चैनल पे जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसको चैनल को, और दूसरों से भी शेयर कीजिएगा। मैंने आपको वक्तन फवक्तन बाइनांस के बारे में सारा कुछ बताता रहता हूँ, तो आप जो है वो मेरे चैनल पे जाके बाइनांस के बारे में चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाइनांस अभी बंद नहीं होने जा रहा, बाइनांस कहीं नहीं जा रहा, बाइनांस अभी इधर ही है। हो सकता है अगले साल जब हो कुछ मार्केट इंक्रीज करे तो उसको डाउन लाने के लिए, मार्केट को एक बड़ा डंप लाने के लिए बाइनांस को जो है वो पूरी तरह पकड़ा जाए, पूरी तरह मतलब बैन करने की तरफ जाया जाए, इसको ख़त्म करने की तरफ जाया जाए। ख़त्म तो नहीं होगा लेकिन बकायदा वापस रहेंगी, लेकिन इसको काफ़ी हद तक ख़त्म कर सकते हैं वो बड़े जो मार्केट मेकर्स हैं। तो बाइनांस सबब बन सकता है अगले बड़े डंप का, अभी नहीं कुछ हो रहा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर आपने जो अच्छे कॉइन्स परचेज किए हुए हैं उन पर नज़र लाजमी रखनी क्या क्या न्यूज़ आ रही हैं, लेकिन आपने उनको लो में सेल नहीं करना, कम प्राइसेस पे सेल नहीं करना, मार्केट ने अप जाना है एक ना एक दिन, हो सकता है कि एकदम बड़ा डंप आए कुछ दिन के लिए, तो आप सारे अपने कॉइन सेल करें और उसी टाइम मार्केट जो है वो पैराग्लाइडिंग मूव की तरह ऊपर चले जाए एकदम से। ठीक है, तो आपने ये चीज़ का ख्याल रखना। अब हम चलते हैं कॉइन की प्राइस की तरफ। मार्केट पूरी कोशिश कर रहे हैं मार्केट मेकर्स के किसी लोगों की जो होल्डिंग्स हैं जो वॉलेट्स के अंदर, हार्डवेयर वॉलेट्स के अंदर, सॉफ्टवेयर वॉलेट के अंदर, तो वो वहाँ से निकाल के एक्सचेंजेस पे लाई जाएं। ठीक है, तो आपने इस ट्रैप में नहीं आना। हम बिटकॉइन की प्राइस अपडेट के बारे में बात करें, बिटकॉइन ये डेली चार्ट पे है, ब्रिस्टम का चार्ट है। अब यहाँ पर हमारे जो पुराने सपोर्ट लेवल्स लगे हुए, तो बिटकॉइन ने हर बार उसको ही रिस्पेक्ट किया। ये देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर, अब ये देखिए ये चल रहा है काफ़ी दिन से साइडवेज। जब जब ये साइडवेज चला है ना, ये पनौती ले गया है, तो आपने ख्याल रखना है कि ये जो है ना ये
22,500 तक ये जा सकता है, 22,700 तक ये जा सकता है बिटकॉइन। उसके बाद नीचे की दिखा के एकदम से ऊपर को चले जाए बिटकॉइन, समझ रहे हैं? नीचे की दिखा के नीचे जाने लगे, एकदम ऊपर चले जाए, या 20,000 तक जाए, फिर ऊपर का एकदम से कर दे, क्योंकि ज़्यादा डाउन नहीं जाने लगा बिटकॉइन, ज़्यादा डाउन नहीं जाने लगा। डेली में अभी इंडिकेटर्स भी बता रहे हैं कि डाउन है, बिटकॉइन डाउन है, तो हम कह सकते हैं कि 22,800 तक, 700 तक जा सकता है। हम इसको 4 आवर चार्ट में देख चेक करते हैं, 4 आवर चार्ट में भी जो है वो अभी ये देखे, हमारे स्पोर्ट लेवल पे ही है, यहाँ पर ये देखे 25,800, 700, 600 का लेवल पे ही चल रहा है बिटकॉइन। तो ये आप इसको 22,800 तक देख सकते हैं अगर ऐसे ही कंडीशन रही तो। बिटकॉइन अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं ना अभी, तो अपने ओन इस पर अभी आप अच्छे कॉइन्स में कर सकते हैं, पार्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कितना के नीचे गिर जाएगा बिटकॉइन और कितना गिर जाएगा, लेकिन अगर अप जाएगा तो बहुत ज़्यादा ही अप जाएगा, ऊपर के ज़्यादा जो हैं वो लेवल्स हैं, नीचे के कुछ ही लेवल्स हैं। कितना को और नीचे गिरेगा, इससे ज़्यादा नहीं नीचे गिर सकता ये, इसको और गिराने वाले गिरा नहीं सकते ज़्यादा, तो कभी ना कभी इसने अप जाना ही है। तो अपनी होल्डिंग्स को जो है ना स्ट्रॉन्ग रखना, अच्छे कॉइन्स को, खास तौर पे अच्छे कॉइन्स जो है ना, उनसे वेल्स पूरी कोशिश करेगी आपको उनसे बेदार कराया जाए कि यार ये तो ऊपर नहीं जा रहे, मैं इनको सेल करता हूँ, जो अच्छा का दूसरा है उसको परचेज करता हूँ, पता चले कि आपने जो पहले सेल किया वो ही अप जा रहा है, और जो आपने अब न्यू परचेज किया वो डाउन जा रहा है, और आप दोबारा अपनी पुरानी होल्डिंग्स तरफ जब जाते हैं तो वो नीचे गिर जाए, और जिससे आप निकल के आए हैं, जिस कॉइन को सेल करके आए हैं, वो फिर ऊपर चले जाए। तो इस तरह जो है ना वो आपके साथ जो है ना वो खेला जाए, लेट्स प्ले इट। तो अच्छा आपके साथ फुटबॉल खेल रहे हैं और खेलेंगे, तो आपने जो है वो साबित कदम रहना है, ठीक है? और मार्केट गिरी हुई है, मार्केट एक दिन अप जाएगी, अब ये देखें 2-2% का भी डाउन आ रहा है, तो ये होगा, ये अभी होगा, आपको पूरी कोशिश की जाएगा, आपको जो है ना पूरा कहा जाएगा, देख इन्वेस्टर इसको सेल कर, कॉइन को बिटकॉइन को सेल कर, नीचे 22,000 पे जा रहा, 20,000 पे बिटकॉइन जा रहा, वहाँ पे जाके परचेज करी, तेरी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपके पास स्पेयर फंड है तब ही करना, अगर आपने होल्ड रखा हुआ है तो लॉन्ग टर्म के लिए, तो अपने हाथों को स्ट्रॉन्ग हैंड में बदलें और इसको कब सेल ना करें। मार्केट मेकर्स की जो प्लानिंग है उस पर नहीं आना, ठीक है? तो ये थी वीडियो, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को आगे दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।